हेलो एंड वेलकम ऑल। इस सेशन में हम लोग लर्न करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज। डू और डज का यूज कैसे करते हैं इसे ही लर्न करना है, लेकिन हर जगह नहीं, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है, वैसे ही डू का भी 5 फॉर्म होता है। पहला तो डू हो गया, दूसरा डिड, तीसरा डन, चौथा हो गया डूइंग और फिफ्थ वन इज डज। और आप यह भी जानते हैं जो फिफ्थ फॉर्म होता है वह होता है सिंगुलर। फिफ्थ फॉर्म होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर होता है। और साथ में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो फर्स्ट फॉर्म होता है यह होता है प्लुरल, हमेशा प्लुरल। सो हम इस टेंस में यूज सीखेंगे डू और डज का सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो डू का जो प्लुरल फॉर्म होगा डू होगा इटसेल्फ, और डू का सिंगुलर फॉर्म होगा डज होगा। ओके, और यूज किसका सीखना है? डू और डज का ही। सो डीड, डन, डूइंग से हमें कोई सरोकार फिलहाल नहीं है। तो आप सिंटेक्स का रोल भी कल के लेक्चर में थोड़ा सा बताया था। सिंटेक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो इसमें क्या रूल होता है? बेसिक रूल यह होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट जिस नंबर में होगा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इसका क्या मतलब होता है कि सेंटेंस का इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब क्या होगा? वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, दैट इज डज। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल कुछ भी हो तो वर्ब क्या होगा? यहाँ पे डू होगा, राइट? सो डू डज का प्रयोग आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या लिखा हमने कि डू का प्रयोग किया जाता है प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। डू का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा, ये हो गया। यही बेसिक रूल है, इतना समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे। ऐसे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसका। डज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है। एक बात और बताता हूँ, यह जो 5 फॉर्म पढ़ा हमने डू का, ये मेन वर्ब डू का फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे डू और डज का जो हम यूज करेंगे मेन वर्ब के रूप में नहीं, इनका यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज ही होता है, ये ध्यान रखेंगे, राइट? तो कल जो आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसका लिंक दे देंगे, उस लेक्चर में पढ़ा था सिंपल जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर, उसमें डू डज का मेंशन कहीं नहीं था। लेकिन डू डज आता कहाँ पे है? तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव हो, चाहे जब यह इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव हो, तभी आता है डू डज का उल्लेख। तो इसको समझने के लिए ठीक से हमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव सीखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हुए निगेटिव सेंटेंस में हम बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर डू या डज में से कोई एक, फिर निगेटिव है तो नॉट तो रहना है, फिर V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है कि डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के ही बाद होना है और नॉट का प्रयोग वर्ब के पहले होना है, ये स्ट्रक्चर होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे राम, सीता, वे लोग, तुम, मैं, ये सब सब्जेक्ट हैं। सो डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सिंगुलर या प्लुरल। तो राम पहले देखते हैं, राम पत्र नहीं लिखता है तो क्या होगा? राम। अब यहाँ पे डू या डज आएगा तो राम सिंगुलर है तो डज, नहीं के लिए तो नॉट, और फिर V1 हो जाएगा और फिर और लेटर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर डू और डज का प्रयोग कर दिया, हर जगह वर्ब का पहला फॉर्म ही लगेगा। अगर डू डज का प्रयोग किया है तो यहाँ पे तो हो गया। दूसरा, सीता पत्र नहीं लिखती है तो सीता का सीता हो गया, सीता के अनुसार क्या लगना चाहिए? तो डज लगना चाहिए।
और फिर सेम ही बात है, तो डज नॉट राइट अ लेटर, वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं, तो वे लोग का दे प्लुरल है, तो वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इसका डू हो जाएगा, दे डू नॉट राइट, दे है तो लेटर्स, तुम पत्र नहीं लिखते हो तो तुम को प्लुरल समझा जाता है, तो इसके लिए प्लुरल आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू हो जाएगा, यू डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई को प्लुरल समझाता है यहाँ पे, तो आई डू नॉट राइट अ लेटर। आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लुरल तो डू, बाकी तो स्ट्रक्चर पे फिट किया। अब थोड़ा सा इंट्रोगेटिव का प्रैक्टिस अगर करें हम, तो आपको पहले जानना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक यस नो का और दूसरा होता है डब्ल्यू एच वाला। तो पहले यस नो का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर डब्ल्यू एच का देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क होगा, ये तो पता रहेगा आपको। सो सबसे पहले डू डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव कैसा, यस नो वाला, मतलब इसका आंसर में आपको हाँ या ना दोनों में से कोई एक बोलना ही बोलना पड़ेगा। जैसे क्या है, क्या राम पत्र लिखता है, तो आप बोलेंगे हाँ या ना, ठीक है, इसलिए इसे इतना बोलना ही पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं यस नो। और दूसरी बात कि सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में होता है क्या वर्ड, अगर शुरू में क्या हो गया तो वह हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला। सब में क्या है देख लीजिए आप, तो यस नो वाला ही है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू डज पहले, किसके अनुसार होता है डू डज, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट तो राम है, तो राम के अनुसार क्या होगा, डज, और फिर राम आ जाएगा, फिर वी वन आता है तो लिखना का राइट हो जाएगा, डज राम राइट, पत्र ऑब्जेक्ट है तो अ लेटर, डज राम राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे क्या सीता पत्र लिखती है, तो सीता यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आएगा डज, और फिर सीता पत्र लिखती है तो बात एक ही हो गई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग पत्र लिखते हैं, तो फिर वे लोग के अनुसार तो डू लगता है ना, वे लोग के साथ, डू डू दे राइट, दे है तो लेटर्स क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पत्र लिखते हो, तो तुम के अनुसार डू आता है तो डू यू राइट अ लेटर। क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं के अनुसार भी डू आता है तो डू आई राइट अ लेटर। ये हो गया इंट्रोगेटिव यस नो वाला। अब डब्ल्यू एच की थोड़ी बात कर लेते हैं। डब्ल्यू एच में जो वर्ड होता है, डब्ल्यू एच वर्ड होता है, स्ट्राइक थ्रू किया है, उसको यूज नहीं करेंगे अभी। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले रहेगा, उसके बाद डू डज रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए, जो यस नो वाला था उसमें क्या था देख लीजिए, पीछे थोड़ा सा जाकर उसमें क्या था सबसे पहले, लेकिन इसमें क्या वर्ड सबसे पहले नहीं होगा, बीच में होगा डब्ल्यू एच का जो भी वर्ड उसका हिंदी, जैसे क्या, कहाँ, यहाँ पे बीच में होने पे क्या का होता है इंग्लिश व्हाट, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सब है। तो जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं हम, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड का लिखते हैं हम इंग्लिश, तो क्या का हो जाएगा व्हाट, और इसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज का प्रयोग किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो व्हाट के बाद डज हो जाएगा राम, और फिर राइट, और फिर व्हाट डज राम राइट, हो गया, कुछ नहीं है। और सीता कहाँ पत्र लिखती है, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, वेयर सीता सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आ जाएगा, फिर सीता, और फिर वी वन ऑब्जेक्ट, तो कुछ और चीज़ है नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे। वे लोग कब पत्र लिखते हैं, तो वे कब का क्या होता है, वेन, और वे लोग प्लुरल है तो डू, वे लोग का दे, फिर राइट। तुम क्यों पत्र नहीं लिखते हो, क्यों है,
तो फिर वाई, फिर डू यू के आंसर, तो फिर यू, ओके वाई डू यू, फिर नहीं है तो नॉट, और वर्ब के पहले नॉट लगता है ना, तो वाई डू यू नॉट राइट। मैं कैसे पत्र लिखता हूँ, इसका कैसे का हाउ, हाउ डू आई, फिर राइट। और अच्छा पत्र भी यहाँ पे है, इधर भी पत्र है, पत्र छूट गया है, सब करते हैं पत्र, राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। सीता कहाँ पत्र लिखती है, तो वेयर डज सीता राइट, और फिर यहाँ पे हो जाएगा पत्र का और लेटर। वे लोग कब पत्र लिखते हैं, तो फिर वेन डू दे राइट लेटर्स, ठीक है। फिर है तुम क्यों पत्र नहीं लिखते हो, तो फिर ये हट जाएगा और लेटर क्वेश्चन मार्क। मैं कैसे पत्र लिखता हूँ, तो फिर यहाँ पे ये तो सही ठीक किया है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आपने देखा डू और डज का प्रयोग कैसे करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू और डज के बारे में दो बातें याद रखनी है, एक डू और डज यहाँ पे यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और दूसरी बात सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग अगर कर दिया आपने तो वर्ब हमेशा वन ही रहता है, ये ध्यान रखना है। लेक्चर को ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।